बारे में बताने जा रहा हूँ। और लास्ट टाइम मैंने जो लाइव वीडियो डाला था उसमें एक रिक्वेस्ट आया था हमारे फ्रेंड मानस शर्मा प्रोजेक्ट ऑफिसर, उन्होंने कहा था कि टूरिस्ट स्पॉट के बारे में भी एक वीडियो बनाने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए। तो आज मैं 108 माने मंडला टॉप के ऊपर मैं ये बनाने जा रहा हूँ ये वीडियो, एंड इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो गाइस, तो जैसे कि लास्ट टाइम मैं जब लाइव आया था तो उस समय में जो मानस शर्मा हमारा जो प्रोजेक्ट ऑफिसर है हमारे SBI का, उनका एक रिक्वेस्ट था कि ट्रेवल का भी एक ब्लॉग बनाने के लिए, जो टूरिस्ट स्पॉट है उसके ऊपर में एक वीडियो बनाने के लिए। तो मैं आज जा रहा हूँ धीरंग का जो मंडला एक बहुत ही, वहाँ पर 108 माने हैं, तो मैं वो आपको दिखाऊंगा। तो ये इसको बोलता है सबसे पहले लुंगता फन, इसको क्या बोलता है, लुंगता फन भंचा है ना। और यहाँ भी ये भी है, ये हमारा दोस्त नीमा शंगोपन वो भी आज जा रहे हैं। तो और इसको जो लगाना है कहीं पहाड़ पे, कहीं जंगल पे, कोई पवित्र स्थान पर, तो मुझे क्या लगा कि जो धीरंग का जो मंडला है वो मतलब सबसे बेहतर रहेगा। ये बोमदिला का लोअर गोम्पा, यहाँ पर मैं वो जो लुंगदा फन बोलता उसको रामदे करने आया था। मतलब जो झंडा मैं अभी बोलूँ ना कॉमन भाषा में, जो झंडा या झंडी जो लगाने जा रहा हूँ मंडला में पवित्र स्थान में, उसको यहाँ लामा से मैं थोड़ा पूजा करने निकला आया था। ओ गाइस, ये है लुंगदा फन, इसको मैं अभी जाके मंडला में जाके मैं लगाऊंगा। लेकिन मैं क्या चाहूँगा कि अभी हमारा बोमदिला का लोअर गोम्पा का लामा जी मिला, बहुत अच्छे लामा जी है, उन्होंने अभी मंत्र भी पढ़ लिया। तो लामा जी थोड़ा सा इसके बारे में हमारे लोगों को बता दीजिए ना, ये क्या चीज़ है, कैसा होता है, आयु लंबा और सब अच्छा होने के लिए। तो गाइस, ये है बोमदिला का क्या बोलता है इसको, ये दुकान का नाम क्या है, लोकल मार्केट ना, मतलब ये सब यहाँ का क्या लोकल सामान है। तो ये लोकल मार्केट है, यू कैन सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइटम हियर, लोकली मेड, यहाँ पर भी बनाता है। ये हम लोग का ये देखिए आना लोग, सब ये लोकल मार्केट है। और ये हमारा ट्रेडिशनल दाव भी आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर से बोमदिला। अगर आप कभी आएंगे तो लोकल मार्केट जरूर आइएगा, ये बोमदिला का लोकल मार्केट है। अरे ये हमारा आमा जी टेंगा में हम देखते रहते हैं इनको, कल टेंगा हो जाएगा आमा जी कल टेंगा में हो जाएगा सारा सामान ना, ये सब आप खुद बनाए क्या, ये सब बनाया। अच्छा अच्छा, और ये आप देख सकते हैं यहाँ आमा दे रहे हैं छुरगम खाने के लिए, सुरगम खाने के लिए, ये लीजिए, थैंक यू। इसको आप मुंह में डाल के, इसको मुंह में डाल के चबाते रहना है बस, आपका अच्छा ये अच्छा होगा ना, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, ये इसको मुंह में डाल के चबाते रहना, आपका अच्छा टाइम पास होते रहेगा। लेकिन मैं अभी मुंह में नहीं डालूंगा, क्योंकि अगर मैं मुंह में डालूंगा तो फिर मैं आपको कैसे बोलूंगा ना मार्केट के बारे में, मैं थोड़ा बाद में डालूंगा। ये पूरा आप देख सकते हैं लोकल मार्केट, सारा आइटम यहाँ लोकली यहाँ बना है, बोमदिला का लोकल मार्केट जस्ट बोमदिला बाजार का सामने है। ये बोमदिला मार्केट, ये रहा बोमदिला मार्केट, और यहाँ में ये लोकल। तो हम अब बोमदिला से निकल गए हैं धीरंग की ओर, लेकिन धीरंग पहुँचने से पहले ही हमें धीरंग बस्ती एक जगह है वहाँ से मंडला की ओर जाना पड़ेगा। ये फिर रास्ता में ऑन द वे और एक जगह हम लोग रुका हुआ है, जगह जगह कभी कभी रुकना पड़ता है कभी चाय पीने के लिए। तो गाइस, जैसे कि मैंने कहा कि मंडला जाने के लिए आपको धीरंग टाउन, धीरंग मार्केट नहीं आना है, बट मुझे धीरंग टाउन में आना पड़ा क्योंकि धीरंग टाउन में ये मेरे दो फ्रेंड, ये मेरा बचपन का दोस्त राजदीप
आपका नाम क्या था? सचिन है मेरा नाम सर। सचिन है ना, और ये राजदीप, ये तो मेरा बहुत बचपन का, मुझसे बहुत छोटा है, बट ही इज माई फ्रेंड। तो ये दोनों भी मेरा साथ जाएगा आज मंडेला। सो यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल दिरंग टाउन, और साथ में दोनों हैंडसम बॉय भी मेरे साथ जाएगा। थैंक्स थैंक्स। ओके सो दोस्त, चलो चलते हैं। सो गाइस, ये मेरे साथ मेरे फ्रेंड, मेरे बचपन का दोस्त और वन ऑफ माय गेस्ट फ्रॉम अभी हाल ही मुंबई, गोवा, बहुत जगह घूम के आया हुआ है। तो हम लोग अभी ऑन द वे, थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है और थोड़ा सा चील हो रहा है। सो गाइस, अभी हम लोग मंडाला पहुँचने वाला है। तो बीच में ये जो सीन है, ये जो नेचुरल ब्यूटी है, इट्स रियली ऑसम। सो गाइस, आफ्टर ऑल वी आर अबाउट टू रीच मंडाला। और ये मंडाला जो आपके सामने पेश है, हाजिर है। सो दिस इज द ब्यूटिफुल मंडाला। कॉन्सर्ट किया था, उनका लाइव परफॉर्मेंस हुआ था, उन्होंने गाना गाया था इसी स्टेज पर। यहीं से गाना गाया था सोनम टोंडे ने, यहाँ से गाना गाकर बहुत ही मतलब शानदार, बहुत ही बढ़िया नज़ारा। और यहाँ जब वो प्रोग्राम हुआ था तो उस समय बहुत ही सुंदर था, अभी भी सुंदर है, और ये हमेशा सुंदर सुंदरता बरकरार ही रहेगी। जैसे मैं यहाँ पर शूट करने आया था तो हमारे मेडिकल स्टाफ श्री नवांग जी और हमारे कुंजू बाबू दोनों मिला, एंड दोनों बहुत अच्छे पर्सन है, और वहाँ पे उनके परिवार भी हैं, उन लोगों को देख के मतलब। अब हम लोग इस आगे बोर्ड बढ़ते हैं, यू नो बहुत ही सुंदर नज़ारा। वो छोटा छोटी सी जो घर नज़र आ रहा है, हल्का सा सीढ़ी लगा हुआ, वहाँ जाके देखते हैं क्या है आखिर में, वो काम कर रहे हैं। तो गाइस, अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं ये घर काम तो करेगा ना। ओके प्लीज। ओह माय गॉड, बहुत ही सुंदर नज़ारा। यहाँ हम लोग पहुँच गया है, यहाँ पर मैं अगर आप कुछ चाय वाय लेकर आए तो बैठने के लिए एक टेबल है, एक छोटा सा नेचुरल स्टूल है जो वुडलॉक का बनाया हुआ है, तो पाइन ट्री का। देन यहाँ से भी आप नज़ारा आप देख सकते हैं, सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, कम्प्लीटली नेचुरल ब्यूटी। और साथ में फिर हमारा और एक दोस्त भी पहुंच गया पीछे पीछे, बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही एक्टिव। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही सुंदर नज़ारा, द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन यू कैन सी, यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम हियर, इट्स रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड मैसमराइजिंग वन। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मंडाला, जो धीरांग से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं मंडाला का ये सीन। ये सारा आप जो लुंगता फन जो देख रहे हैं, या हम कॉमन भाषा में, अगर कॉमन भाषा कहते झंडी,
हम भी आज यही लगाने के लिए आए हैं और यहीं पर ही हम लगाएंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा। सो गाइस, अभी हम लोग थोड़ी देर में ये जो लुंगता फन कॉमन भाषा में झंडा झंडी बोलेंगे, अब इसको हम लोग बांधने जा रहे हैं। फिर से मैं रिपीट करूँगा, ये एज अपना आयु उम्र लंबा होने के लिए और शांति के लिए भी लगाते हैं। तो इसे हम जो लाए हैं, वैसे हम दुकान से खरीद कर लाए हैं बट लामा से हम पूजा करके लाए, जिसे रमणी भी बोलता है। तो अभी हम इसको पोइटन से इसको घुमाएं और थोड़ी देर में इसको हम यहाँ पर बांधेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे झंडी देख सकते हैं, ये सारे बहुत दूर दूर से लोग ने आके लोगों ने बांधे हैं। सभी का अपने मनोकामना है, किसी का आयु लामा होने के लिए। तो गाइस, जैसे कि मैंने कहा था कि मेरे लिए जो लामा जी उन्होंने ब्लू कलर उन्होंने बताया कि जो मुझे जो झंडा लगाना है जो लुंगता फान बोलता है, लेकिन मैं आपको कॉमनली झंडा बोलूँगा, मुझे ब्लू कलर का दिया था। अब मैं इसको लगाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही लंबा है, तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ उस घर से। मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं एक इसका वन एंड वहाँ पर बांधूंगा, दूसरा एंड मेरा दोस्त वहाँ पर बैठा है वो वहाँ पर बांधेगा, तो मैं इसको वो वहाँ पर बांधेंगे। तो हम दोनों जा रहे हैं इसको पूजा कर करके। तो गाइस, मैं यहाँ से इसको बांधे जा रहा हूँ। तो गाइस, ये मेरा झंडा ब्लू कलर का, ये झंडा मैं यहाँ से जा रहे हैं, आप देख सकते हैं लगा जा रहा हूँ यहाँ से। यहाँ बांधो ना, ना ना बीच में उसको उसको वहाँ पर बांध। ये तो वहाँ तक तो नहीं पहुँचे, नहीं पहुँचे, कहीं बांधने से भी हो जाएगा। ओके, ऐसे इक्कीस भी भरो। और ये खादा, ये बीच में कहीं भी एक जगह बांध देना है। मैं इसको बांधूंगा सबसे बीच में, सबसे सेंटर में। ये खादा, मैं इसको, ये मेरा जो झंडा है जो लुंगता फान बहुत लंबा है, इसको मैं यहाँ मिडिल में लगा रहा हूँ। ओके गाइस, सो जगह तो बहुत सुंदर ही है, प्लस बहुत ही धार्मिक स्थल है, और यहाँ आकर ये लुंगता फान लगा के बहुत ही अच्छा लगा। रियली मी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड इट्स वेरी वेरी नेचुरल। प्लीज ब्यूटीफुल है, तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं सका, तो मैंने गाड़ी को रोक दिया ताकि मैं इस पपी को मैं देख सकूं, फोटो खींच सकूं। इट्स रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है। सो ओके, तो गाइस आज मंडला का शूटिंग पूरा हो गया, जो ब्लॉग बनाना था बना लिया। अब मैं गिरांग से घर की ओर निकल रहा हूँ, और ये मेरा राजदीप, ये मेरा बचपन का फ्रेंड है, मुझसे उम्र में छोटा है लेकिन मेरा दोस्त है।
और वो मुझे गिरंग में आया तो मुझे ऐसे कुछ टोकन ऑफ लव कुछ गिफ्ट करना चाहता है ऐसे बोला, सो थैंक यू रवि दोस्त। तो आप क्या देना दे सकता है आपको पता है सर? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत थैंक यू। आप वो भी आप आए गए और इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया है। इसमें राजदीप का बहुत राजदीप और उनका मैडम का तरफ से मेरा बहन का तरफ से पूरा एक प्यार भरा गिफ्ट मिला है। और ये मेरा धीरा का याद होगा आया था ये मंडला का जो ब्लॉग बनाने के लिए, बट इन्होंने एक गिफ्ट दे के भेजा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।